पता नहीं क्या हो गया दीप को, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अचानक से कुछ भी बोली जा रही है कि प्रियल मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ, और प्रियल बोर्डिंग स्कूल जा रही है। नहीं जाना ना बोर्डिंग स्कूल? नहीं। हाँ मम्मा कौन है आपकी? विद्या। हाँ तो बस ये बात तो प्रियल को भी पता है, तो पता नहीं दीप को क्या हो गया, अचानक से बोल रही है कि प्रियल को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं। ऐसे कैसे भेज सकती है, वो तो बोल लेते उसे, कोई बात नहीं, हो सकता है। वैसे ही वो काफ़ी सालों से कुछ हो गया है उसे, थोड़ी मुझे लगता है दिमाग से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई उसे कुछ। अभी ठीक है मैं मानती हूँ बच्चा नहीं रहा उसका, बट मेरी वजह से कैसे? तो अभी मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई, मेरी प्रियल के पीछे। ऐसा नहीं होगा, प्रियल दूर नहीं होगी हमसे ना। हाँ। किसके साथ रहोगे आप बताओ? विद्या। विद्या क्या होता है? विद्या मम्मी। हाँ और देखो भाई इतनी क्यूट बच्ची है, कोई भी लड़ाई करेगा इसके लिए, है ना? शानी, ये बहुत शानी है, मतलब इसको विद्या भी चाहिए, मीरा माँ भी चाहिए, सब चाहिए। ऐसे बच्चे आजकल कितने चालाक होते हैं ना, मैं क्या बोलूँ। जाता मैं तुम्हें डिसोन किया जा। जो हमारा अभी जो सीन्स चल रहे हैं वो मेन रीज़न मेरा ये है कि मैंने विद्या और श्रवण से सिग्नेचर्स करवा लिए अडॉप्शन पेपर्स पे। सो ऑफिशियली प्रियल इज़ माई डॉटर एंड दे डोंट नो अबाउट इट। तो मैं बस अपना बिट कर रही हूँ, माँ की मर्जी, वो अपनी बेटी को कहाँ भी भेजे, वो हॉस्टल भेजना चाहती है तो भेजेगी, बट अभी विद्या और शर्मा को नहीं पता है। सो लेट्स सी कि उनको कब पता चलता है और कितना बड़ा ड्रामा होगा तब।